अरे हाँ बाबा, बस पहुंच रहा हूँ। अब क्या करूँ मैं भी, आना अचानक कुछ गेस्ट आ गए तो बात तो करना पड़ेगा उनसे। अच्छा ठीक है, अभी तुम रखो, हम पहुंच रहा हूँ। ओके थैंक यू। चलो बीवी का फोन, अब क्या करे, इतना बिजी जो हो गया हूँ मैं, यहाँ पे शूटिंग करता हूँ, फिर जाके किचन भी हैंडल करना होता है, खुद का बिजनेस है। अरे मैं ही क्या, काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल, इतनी बिजी हो गई है कि अपने आप के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो अपने पार्टनर के लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे पर। लेकिन बहुत बार आजकल मैं सोचता हूँ कि स्ट्रेसफुल होना, बिजी होना इज वन पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं सोच रहा था कि एक सिंपल सी रेसिपी बनाते हैं जो हम बना सके हमारे लव्ड वंस के लिए, टेस्टी हो, सिंपल हो, बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो। तो चलिए बनाते हैं एक डेटिंग रेसिपी, यानी कि वो रेसिपी जब आप डेट पे जा रहे हो या एक साथ डिनर कर रहे हो। और ये स्पेशल रेसिपी खासकर मेरे वाइफ को मैं डेडिकेट करना चाहूँगा, और वो है मशरूम्स फॉर टू। तो सबसे पहले क्या करना है, चलिए ये शिटाके मशरूम्स लेते हैं, और थोड़े महंगे होते हैं, लेकिन भाई खासकर खास रेसिपी बना रहा हूँ बीवी के लिए, तो एक्सपेंसिव हो या ना हो बनाना तो है ही। मशरूम्स आर न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। मशरूम्स कंटेन सेलेनियम, पोटेशियम एंड विटामिन डी। विटामिन डी इज रेयरली फाउंड इन प्लांट फूड्स, मशरूम्स आर एन एक्सेप्शन। मशरूम्स की वैरायटी की बात करें तो देयर आर सो मेनी वैरायटीज, यू नो, राइट फ्रॉम बटन मशरूम्स विच आर क्वाइट इकोनॉमिकल, शिताके है, इनोकी है, ऑयस्टर मशरूम्स है, पोलेटस है। ये तो अब स्लाइस हो गए, इसे फिर से एक बार इस कटोरी में डाल देते हैं। अब ये गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा ऑलिव ऑयल इसमें, लिटिल बिट ऑलिव ऑयल, और ऑलिव ऑयल के साथ साथ थोड़ा सा तिल का तेल ये डाल दिया इसमें, और इसके साथ साथ तिल के दाने, वेरी लिटिल तिल के दाने। ये जब भुन जाए तो ये थोड़ी सी मिर्च इसमें, ये गार्लिक जो है। This recipe also has a heart healthy ingredient which improves the body's immunity levels. खूब सारे ये मशरूम्स, let's toss it, और इसके साथ साथ ये जो greens थे ये डाल देते हैं, mixed greens। ये अब पक रहा है धीरे धीरे, मशरूम्स हैं, थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे, कोई बात नहीं, इसे हल्के से यहाँ पे पकने देते हैं। तब तक ये पैन भी गर्म हो गया है, मैं सर्व करने वाला हूँ इस मशरूम्स को कुछ होल व्हीट नूडल्स के साथ। तो फिर से एक बार ऑलिव ऑयल, ये सेसमे ऑयल यानी कि तिल का तेल, और ये बचे हुए जो स्पाइसेस यानी कि गार्लिक एंड मिर्ची। के बाद बारी आती है थोड़ी सी हल्दी इसमें डालने की, मूव फॉर द कलर। और ये जो होल व्हीट नूडल्स है अब मेरे पास, ये इसमें डाल देते हैं, नॉट टू मच, मशरूम इज द मेन डिश। और इसमें और कलर लाने के लिए आई एम गोइंग टू पुट लॉट ऑफ जुलियन रेड कैप्सिकम, और अब एक बार फिर से इसे मिक्स करके ये बन। और ये जो पहला पैन था मेरा, बारी है अब मशरूम्स को फिनिश करने की। तो फ्लेवर के लिए थोड़ा सा लो सोडियम सोया सॉस यानी कि लाइट सोया सॉस ये थोड़ा सा इसमें, इसके साथ साथ बहुत ही हल्का सा सिरका यानी कि विनेगर, थोड़ा सा सेसमे यानी कि तिल जो है ये डाल दिया फिर से एक बार। अब बारी है सीजन करने की, थोड़ी सी नूडल्स है इसे ले लेते हैं, इस चिमटे से मैंने जो है बीच में थोड़ी सी जगह बना ली है। चलिए ये नूडल्स तो अब आ गए प्लेट पे, बारी है अब मशरूम्स की, ये जो बीच में हमने जगह बनाई थी ये ऐसे सेंटर में, और ये जो सफेद तिल के दाने थे थोड़े से मेरे पास ये ऐसे, ये इसके ऊपर, देखिए कितनी बढ़िया प्यारी लग रही है। और मुझे पता है कि मेरी वाइफ जो है उन्हें पहले मशरूम्स पसंद नहीं थे, लेकिन प्लीज यू ट्राई दिस डिश,
निकिता यू आर गोना एंजॉय इट एंड आप ही नहीं हमारे दर्शक भी जो है वो ट्राई करें, मुझे यकीन है आपको जरूर पसंद आएगी। मशरूम्स फॉर टू बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में एक बड़ा चम्मच जैतून का तेल, एक छोटा चम्मच तिल का तेल, एक छोटा चम्मच तिल के दाने, 3 से 4 कटी हुई लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच कटा हुआ लहसुन, 1 कप कटे हुए मशरूम्स, 1 कप पालक और 1/4 कप दिल लीव्स को टॉस करें। अब एक दूसरे पैन में 1 छोटा चम्मच जैतून का तेल, 1 छोटा चम्मच तिल का तेल, 3 से 4 कटी हुई लाल मिर्च, 2 बड़े चम्मच लहसुन, 1 छोटा चम्मच हल्दी, 1 कप होल व्हीट नूडल्स और 1/2 कप रेड कैप्सिकम जूलियन को अच्छे से मिला लीजिए। अब मशरूम्स में 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, 1 छोटा चम्मच विनेगर और 1 छोटा चम्मच तिल के दाने डालकर फिर से टॉस करें। अब एक पास्ता बोल में नूडल्स को निकालें और बीच में ऊपर से टॉस किए हुए मशरूम्स को सजाएं, सफेद तिल के दानों के साथ गार्निश करें और मशरूम्स फट्टू को गर्मा गर्म परोसें।